हम देखते हैं नीड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता। आखिर शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है? तो उनकी आवश्यकता को इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। इसके सारे पॉइंट्स दिए गए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है मौलिक प्रश्नों का याद करने, उत्तर याद करने हेतु। अब हम इसमें देखते हैं ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर, मतलब मौलिक प्रश्नों का याद करने हेतु, प्रश्नों का आंसर याद करने हेतु, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर अभी तक साहित्य में उपलब्ध नहीं हो पाया है परंतु उसका उत्तर याद किया जा सकता है। जैसे क्या है, न्यूटन का प्रश्न था कि सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरता है, तो ये आपका प्रश्न था। फिर उनका आंसर ये याद हुआ, उन्होंने उसका उत्तर यह याद किया कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सेब नीचे गिरता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण सेब नीचे गिरता था। तो एजुकेशनल रिसर्च में ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर याद किए गए और उनके उत्तर में नवीन ज्ञान का विकास हुआ। जैसे क्या है, शिक्षा में दर्शन क्यों पढ़ाया जाए, उत्तर में शिक्षा का आधार तथा सिद्धांत दर्शन है। शिक्षा में मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाए, उत्तर में मनोविज्ञान छात्रों के गुणों तथा व्यक्तिगत भिन्नता को बताता है। उनके अनुसार शिक्षण व्यवस्था प्रभावशाली होती है। इसी प्रकार शिक्षक कक्षा में विविध प्रकार की क्रियाएं क्यों करता है, इसका उत्तर शिक्षा तकनीकी, शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र ने दिया है तथा दे भी रहा है। तो इस प्रकार मौलिक प्रश्नों का उत्तर याद करने हेतु क्या है, शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मौलिक समस्याओं तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु। अब इसमें हम लिख सकते हैं शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की मौलिक समस्याओं तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु क्या है, अनुसंधान की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि है शिक्षा अनुसंधान में समस्याओं के समाधान से नवीन ज्ञान की वृद्धि तथा विकास हुआ है और इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रकार है। जैसे कि है फ्लैंडर्स की समस्या थी कि कक्षा के सामाजिक भावात्मक वातावरण का मापन कैसे किया जाए, तो उन्होंने 10 वर्ग प्रणाली का क्या किया, विकास किया। सेम इसी प्रकार क्या है, बी एस ब्लूम की समस्या थी कि परीक्षण को शिक्षण पर कैसे आधारित किया जाए, उन्होंने उद्देश्यों के टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव का विकास किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शिक्षण शास्त्र के सिद्धांतों का मूल्यांकन करना। तो क्या है इसमें, शिक्षण शास्त्र के सिद्धांतों का मूल्यांकन करना और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। इन नवीन सिद्धांतों के संबंध में जैसे है शिक्षण शास्त्र के ज्ञान, शिक्षण शास्त्र का अभ्यास तथा शिक्षण शास्त्र में आस्था एवं विश्वास। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शिक्षा का प्रारूप। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय शिक्षा का प्रारूप क्या है, पश्चिमी देशों की देन है, ब्रिटेन का विशेष प्रभाव है, इसलिए अन्य देशों के नवीन प्रवर्तनों, नियमों, सिद्धांतों तथा मापन के उपकरणों के अनुशीलन की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कला शिक्षण। तो कला शिक्षण क्या है, कला शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न पक्षों पर शोध अध्ययन की क्या है, आवश्यकता है। क्लासरूम के विभिन्न पक्षों पर शोध अध्ययन की आवश्यकता है। कोठारी आयोग ने कक्षा शिक्षण को विशेष महत्व दिया है। जैसे उन्होंने दिया है शिक्षक के लिए क्या है, अध्ययन अध्यापन का कार्य क्षेत्र तथा साधना स्थल है। फिर छात्र के लिए विद्या मंदिर, अधिगम स्थान, ज्ञानार्जन स्थान, विकास स्थान तथा आस्था श्रद्धा का स्थान है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान हेतु, ये भी आपका कला शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान हेतु कक्षा शिक्षण की प्रयोगशाला है, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता के लिए विधियों व प्रविधियों का विकास करने हेतु शोध अध्ययन आवश्यक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शिक्षण कौशल। विद्यालय विषयों के शिक्षण के में क्या है, आवश्यक कौशलों को याद करने की आवश्यकता है। मतलब बच्चों में क्या है, शिक्षण कौशल का विकास करना है जिसमें सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का उपयोग सार्थक हो सके। भाषा शिक्षण के लिए लिखना, बोलना, सुनना कौशल नितांत आवश्यक है। मतलब बच्चों में क्या है, इन कौशलों का विकास कर सके। लिखना कौशल है, कौशल मीन्स होता है किसी चीज़ में क्या है, निपुण होना, किसी विषय में क्या होना, दक्ष होना।
तो क्या है, बच्चों में कौशल का विकास कर सकते हैं, लिखने में उनको दो छोड़ना, पढ़ने में, बोलने में और सुनना कौशल का विकास करना नितांत क्या है, आवश्यक है। फिर इसी में देख सकते हैं कक्षा प्रस्तुतिकरण। तो शिक्षण अनुसंधान की दृष्टि से प्रस्तुतिकरण सामान्य शिक्षण की क्रिया है, परंतु प्रस्तुतिकरण का विश्लेषण पढ़ाए जाने वाले विषय के अनुसार करने की आवश्यकता है, जिसमें पाठ्य वस्तु के तत्वों के प्रारूपों की पहचान तथा प्रत्येक विषय के लिए प्रस्तुतिकरण के प्रतिमान विकसित किए जाए। इसके अंतर्गत एक और है कक्षा समाज का लघु रूप। तो इसमें क्या है, कक्षा में छात्र समाज के सभी वर्ग तथा धर्मों से आते हैं। कक्षा में क्या है, विभिन्न धर्मों के बच्चे आते हैं। किस प्रकार के संस्कार और आचरणों को कक्षा में कैसे विकसित किया जाए, यह शिक्षण की अहम समस्या है। शिक्षा में नैतिक गुण आचरण निहित होते हैं, इस पर क्या है, शोध की आवश्यकता है। फिर है कक्षा शिक्षण की भी समस्या है। शिक्षक को कक्षा शिक्षण में क्या, प्रत्येक वर्ष नई कक्षा में नई समस्याएं आती है। इन समस्याओं के अध्ययन हेतु क्रियात्मक अनुसंधान की क्या है, आवश्यकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों का मूल्यांकन करना। तो पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों का मूल्यांकन करना तथा आधुनिक शिक्षा हेतु नवीन पाठ्यक्रम का विकास करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार हेतु नवीन प्रणाली का विकास करना। जैसे शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन की अपेक्षा सूक्ष्म अध्ययनों का विकासनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें है शिक्षा दर्शन संबंधी अध्ययनों में दर्शन के तत्व विचारों तथा प्रमाण विचारों को याद किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध अध्ययनों में सूक्ष्म तत्वों को महत्व दिया जाए, जैसे बुद्धि लब्धि की अपेक्षा बुद्धि के कारकों का उपयोग किया जाए। किस प्रकार की अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन किस प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रभावशाली होते हैं। फिर है विशिष्ट शिक्षा में अधिगम अभ्यर्थी छात्रों हेतु प्रभावशाली अधिगम विधियों पर शोध की आवश्यकता है। मतलब एजुकेशनल रिसर्च क्यों आवश्यक है शिक्षा के क्षेत्र में। फिर है शिक्षा तकनीकी के विभिन्न माध्यमों अवयवों तथा उपकरणों की प्रभावशीलता अध्ययन क्षेत्रों की व्यक्तिगत भिन्नता विषय भिन्नता के संदर्भ में आवश्यक है। छात्र शिक्षण के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षक को कक्षा के प्रस्तुतिकरण का गहनता से विश्लेषण की इसमें आवश्यकता है। छात्रों में क्या है, नैतिक गुणों और मूल्यों तथा भावात्मक पक्षों के विकास में भी इसकी क्या है, आवश्यकता है। और फिर एक नेक्स्ट पॉइंट और है शिक्षा आयोगों तथा शिक्षा समितियों का शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर प्रभाव के लिए भी क्या है, शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है। फिर क्या है, शिक्षा में सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता के क्षेत्र में भी शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है। जैसे राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास करना, राष्ट्रीय भाषा का विकास करना, राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु शिक्षकों आचार संहिता का विकास में और छात्रों में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास की क्या है, आवश्यकता है।